नमस्कार दोस्तों, एक्सेल एकेडमी पर आप सभी का स्वागत है। आज हम एक इंटरेस्टिंग टॉपिक पर डिस्कशन करने वाले हैं। आज के इस डिस्कशन में हम जानेंगे कि बायकॉट के अलावा क्यों दर्शक साउथ मूवीज की तुलना में बॉलीवुड मूवीज पर कम पैसे खर्च कर रहे हैं या उसे कम पसंद क्यों कर रहे हैं। इसे हम अर्थशास्त्रियों के नजरिए से देखेंगे। अन्य कारणों को तो आप जानते ही होंगे। ये खबर हमने फाइनेंशियल एक्सप्रेस से ली है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का डिस्कशन। सोशल मीडिया पर बहिष्कार के आह्वान के अलावा ऐसे कई कारक हैं जिसके कारण दर्शक बॉलीवुड फिल्मों पर कम पैसे खर्च कर रहे हैं, उन्हें कम पसंद कर रहे हैं। मजेदार बात यह है कि साउथ की फिल्मों ने, जिसमें उनके हिंदी डब वर्जन भी शामिल है, असाधारण रूप से अच्छा प्रदर्शन किया है, जबकि बॉलीवुड फिल्मों को दर्शकों को खोजने के लिए संघर्ष करना पड़ा है। आगे ये आर्टिकल हमको बताता है कि महामारी से पहले एक वर्ष में 70 से 80 हिंदी फिल्में रिलीज होती थीं, जिनका औसत कलेक्शन लगभग 3000 से 5000 करोड़ के बीच हुआ करता था। महामारी के बाद से बॉलीवुड फिल्मों के कलेक्शन में भारी गिरावट देखने को मिलती है। जनवरी 2021 से कुल 61 हिंदी फिल्में 11 अगस्त 2022 तक रिलीज हुई और इन फिल्मों का जो कुल कलेक्शन था वो लगभग 3200 करोड़ रुपए के आसपास था, जिसमें से लगभग 48% कलेक्शन वो 18 डब्ड मूवीज से आया था। ऐसा डॉक्टर सौम्य कांति घोष के नेतृत्व वाली एफबीआई की रिसर्च टीम हमको बताती है। आगे ये आर्टिकल बताता है कि बॉलीवुड के खराब प्रदर्शन के पीछे एक लोकप्रिय धारणा ये है कि बॉलीवुड वर्तमान पीढ़ी के दर्शकों के साथ अपना संबंध खो रहा है, अर्थात नई पीढ़ी के दर्शकों के इच्छानुरूप, उनके मन के अनुरूप फिल्में बॉलीवुड में नहीं बन रही हैं, बॉलीवुड खराब फिल्में बना रहा है। यह एक कारण हो सकता है कि इसी वजह से दर्शक हिंदी सिनेमा पर कम समय कम पैसे खर्च कर रहे हैं, परंतु इसके अन्य कारण भी हैं, जिनमें वित्तीय कारण भी शामिल है। मैंने आपको शुरुआत में भी बताया था कि इसे हम अर्थशास्त्र के नजर से देखेंगे कि इस पर अर्थशास्त्रियों का क्या विचार है, हमको उस नजरिए से देखना है। 26 अगस्त 2022 को जारी एक रिपोर्ट, वही एसबीआई रिसर्च टीम, ऐसे सभी कारणों की ओर इशारा करती है। आइए इन कारणों पर हम लोग नजर डालते हैं। तो पहला कारण जो इसमें बताया गया है इस आर्टिकल में, कि महंगे टिकट और सिंगल स्क्रीन का डिक्लाइन हो जाना। सिंगल स्क्रीन में डिक्लाइन के कारण ज्यादातर फिल्में मल्टीप्लेक्स में रिलीज हो रही हैं, जहां टिकट्स की कीमतें सिंगल स्क्रीन थिएटर्स की तुलना में 3 से 4 गुना अधिक हैं। सिंगल स्क्रीन में केवल एक ही स्क्रीन होती है और उसमें एक बार में एक ही फिल्में दिखाई जाती है, जबकि मल्टीप्लेक्स में कई सारी स्क्रीन होती है जिसमें एक बार में कई मूवीज दिखाई जा सकती है। जैसे अब ऐसा तो होता ही नहीं है कि एक दिन में सिर्फ एक ही फिल्में रिलीज होंगी, एक दिन में बहुत सारी फिल्में रिलीज होती हैं। जैसे रिसेंट एग्जांपल हम ले तो जिस दिन लाल सिंह चड्ढा रिलीज हुई थी उसी दिन रक्षाबंधन भी रिलीज हुई थी। तो जो सिंगल थिएटर स्क्रीन होंगी उसमें केवल एक ही फिल्म एक बार में दिखाई जा सकती है, जबकि जो मल्टीप्लेक्स है तो एक जगह आपको लाल सिंह चड्ढा दिखाई जा सकती है और दूसरी जगह आपको रक्षाबंधन दिखाई जा सकती है। और मल्टीप्लेक्स में बढ़िया आरामदायक कुर्सियां और बेहतरीन एसी वगैरह लगा होता है, तो ऑब्वियस सी बात है कि वो लोग चार्ज ज्यादा लेते हैं। आप देखते हैं ना कि मल्टीप्लेक्स में पॉपकॉर्न वगैरह की कीमतें क्या होती हैं, आसमान छूती रहती हैं। तो ये सारी बात है। तो आम आदमी के बस में तो है नहीं कि वो जाकर मल्टीप्लेक्स में फिल्में देखे, वो किसी न किसी रूप में जो है वो सिंगल स्क्रीन थिएटर को अफोर्ड कर सकता है ज्यादा से ज्यादा। तो साउथ की मूवीज को इस मामले में बढ़त हासिल है, क्योंकि देश के कुल सिंगल स्क्रीन थिएटरों में से 62% जो है वो दक्षिण भारत में है, उत्तर भारत में 16% और पश्चिम भारत में सिर्फ 10% सिंगल स्क्रीन सिनेमा हॉल है। यही कारण है कि साउथ की फिल्में अपने क्षेत्र में ज्यादा रेवेन्यू जनरेट करती हैं, ऐसा ये रिपोर्ट हमको बताती है। अगले कारण पर अगर हम लोग जाएं तो अगला कारण ये है कि हिंदी फिल्मों पर अधिक मनोरंजन कर थोपा जाता है, अधिक मनोरंजन कर लगाया जाता है। टिकट इसलिए महंगे हैं साथियों कि हिंदी फिल्मों पर अत्यधिक मनोरंजन कर लगाया जाता है। रिपोर्ट की माने तो हिमाचल प्रदेश, पंजाब और राजस्थान जैसे कुछ राज्यों को छोड़कर मनोरंजन कर 15 से 60% के बीच में आपका बैरी करता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं 15 से 60% की सीमा में है। मुंबई जो कि बॉलीवुड का प्रमुख केंद्र है, वहाँ पर 45% टैक्स जो है वो लगाया जाता है। वहीं अगर हम लोग साउथ की फिल्मों की बात करें तो जो कर्नाटक है वहाँ पे जो कन्नड़ फिल्में हैं उन पर 0% टैक्स है। तमिलनाडु में जो तमिल फिल्में हैं उन पर 0% मनोरंजन टैक्स है। आंध्र प्रदेश में जो तेलुगु फिल्में हैं वहाँ महज 15% टैक्स लगाया जाता है, ये रिपोर्ट हमको बताती है। आगे अगर हम लोग बात करें तो OTT एंड टेक्नोलॉजी भी एक इसमें प्रमुख फैक्टर है कि बॉलीवुड की फिल्में जो है वो लोग कम देखना पसंद कर रहे हैं।
और अन्य कारणों पर हम लोग अभी चर्चा करेंगे, साथ ही साथ देख लेंगे उनको भी। तो OTT एंड टेक्नोलॉजी, OTT के उभार ने इस एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री को और भी प्रभावित किया है। वर्तमान में OTT का एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में 7-9% तक शेयर है। ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि 2023 तक भारत में 50 करोड़ OTT सब्सक्राइबर हो जाएंगे। OTT के आ जाने से लोग अपने पसंदीदा जेनर की, चाहे कॉमेडी हो, हॉरर हो, एक्शन हो, लव स्टोरी हो, ये सारी फिल्में घर बैठकर ही देख लेते हैं। OTT के वृद्धि हो जाने से भविष्य में सिनेमा घरों पर और अधिक प्रभाव पड़ेगा। 50% से अधिक लोग हर महीने 5 घंटे से अधिक OTT प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करते हैं। OTT प्लेटफॉर्म जैसे आपका नेटफ्लिक्स, अमेजॉन प्राइम वीडियो और डिज्नी हॉटस्टार, ये सब आपके क्या हैं? OTT प्लेटफॉर्म है। और इनमें जो भी आपको जैसे मिर्जापुर देखना है तो अमेजॉन प्राइम वीडियो पर रिलीज हुई है तो आराम से आप बैठकर देख सकते हैं। सेक्रेट गेम्स आपको देखनी है तो नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन लेकर आप उसे देख सकते हैं। और दूसरे जो अन्य विकल्प जैसे हमारे यहाँ स्मार्ट टीवी और क्रोमकास्ट, इनके आने से सिनेमा का जो अनुभव है वो घर पर ही लोगों को मिलने लगा है। क्रोमकास्ट बेसिकली एक डिवाइस होती है जिससे आप अपने मोबाइल या लैपटॉप को टीवी से कनेक्ट कर सकते हैं। अगले कारण की अगर बात की जाए तो अगला कारण है पुअर कंटेंट फ्रॉम बॉलीवुड। जैसा कि कहा जाता है साथियों, कंटेंट इज किंग। अगर कंटेंट है तो सब कुछ आपका बढ़िया हो जाएगा। कंटेंट के मामले में बॉलीवुड मार खा रहा है। तो जैसे 2022 की अगर बात की जाए तो 2022 में मुझे लगता है कि 4 फिल्में वो हिट रही हैं, जैसे द कश्मीर फाइल्स, भूल भुलैया, सूर्यवंशी और गंगूबाई काठियावाड़ी भी हिट रही थी। और भी हो सकता है कि कोई दूसरी फिल्म भी हिट रही हो, मुझे उतनी जानकारी तो है नहीं क्योंकि मैं उसका मतलब क्रिटिक्स तो हूँ नहीं, वो काम मेरा है नहीं। मेरा काम तो आपको जानकारी देना है, आपको पढ़ाना है। तो ये सारी बातें हो सकती हैं साथियों। रिपोर्ट में ये बताया गया है कि जनवरी 2021 से 43 हिंदी फिल्मों की औसत रेटिंग वो IMDB पर सिर्फ 5.9 थी, जबकि 17 हिंदी डब की गई दक्षिण फिल्मों की औसत रेटिंग 7.3 थी। तो ऑब्वियस सी बात है, कंटेंट में कमी है तभी रेटिंग जो है उनकी डाउन जा रही है बॉलीवुड फिल्मों की। और बॉलीवुड फिल्में क्रिएटिविटी के नाम पर कुछ करते नहीं है, साउथ की मूवीज का रीमेक उठाकर बना डालते हैं। इसके अलावा जो अन्य कारण है जैसे बॉलीवुड का अंडरवर्ल्ड से कनेक्शन, इस मामले में संजय दत्त का गिरफ्तार हो जाना, गुलशन कुमार जी की हत्या होना, ये सब भी एक प्रमुख कारण है। बॉलीवुड क्या काम कर रहा है कि एक ही थीम पर कई सारी मूवीज बना रहा है, तो एक ही थीम पर कई सारी मूवीज के बनने से दर्शक ऊब गए हैं। और राजनीति की तरह इसमें भी भाई भतीजावाद देखने को मिलता है। जैसे पॉलिटिक्स में आप देखते हैं ना कि पॉलिटिकल पार्टी अपने बच्चों को जो है राजनीति में आगे बढ़ा देती है, तो ऐसे ही कपूर फैमिली हो गया, खान फैमिली में जो है ऐसे आरोप लगते हैं कि सलमान खान के पिताजी जो है सलीम खान, तो सलमान खान, अरबाज खान, सोहेल खान, ये सारे एक ही परिवार से आते हैं। अब हालांकि खान फैमिली को लेकर जैसे उसमें सलमान खान ज्यादा सक्रिय हैं, बाकी तो वो दोनों भाई उतने भूमिका में नहीं है, लेकिन अब नेपोटिज्म की जब बात आती है तो उन पर भी उंगली उठ जाती है। और उसके बाद अगर बात की जाए तो इसी नेपोटिज्म कल्चर में सबसे लीडिंग रोल में करण जौहर का नाम आता है, जिनके ऊपर ये आरोप लगता है कि ये बॉलीवुड अभिनेताओं के बच्चों को जो है फेवर करते रहते हैं। और पॉलिटिकल आइडियोलॉजी भी एक कारक है जिसमें कई अभिनेता और अभिनेत्री जैसे आपका कंगना रनावत, स्वरा भास्कर, ये सब लोग किसी पार्टी विशेष के प्रति निष्ठा रखते हैं। और मेल की अगर मैं बात करूं तो अनुपम खेर हैं, उसके बाद अनुभव सिन्हा हैं, ये सारे लोग भी किसी न किसी पॉलिटिकल पार्टी से या पॉलिटिकल पार्टी जो है उसकी आइडियोलॉजी से जो है संबंध रखते हैं। तो ये भी एक कारण है साथियों। तो दोस्तों ये था आज का एनालिसिस। आज के वीडियो में इतना ही। उम्मीद है आपको काफी कुछ जानने और सीखने को मिला होगा, आपको वीडियो पसंद आई होगी। और आपसे अनुरोध है कि इस चैनल को शेयर, सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद साथियों।